चार वारी पांच वारी कट होया सी कि करीना का हासा नहीं बंद हो रहा। करीना ने मैनू हक किया, अपने नाल गले ना लाया। सिद्धू भाजी ने मैंने कहा घर जाके नहाई ना, मैं कहा भाई तुम नहाने की गल कर रहे हो, मैं लैमीनेशन करा लूंगी अपने आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो अलबेला टीवी। जिस तरह कि असी ताड़ी मुलाकात सैलिब्रिटी नाल कराते रहने हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन फनकारा नाल, और अज एक ऐसे फनकार दे नाल असी ताड़ी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने ना पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान तो बाहर भी हमसाया मुल्क उत्थे जाके भी अपने काम के फन के जरिए पाकिस्तान का सिर फखर नाल बुलंद किया है। तो उन्हों की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने अज अलबेला टीवी टाइम दिता है। राइटर, डायरेक्टर, डांस, गीत, फिल्म, टीवी, वो सारा कुछ ही ने। उन्होंने पूछने की नहीं, यानी कि पांच पट्टिया तो एक होंगे ना, ये तो अगला कितने पट्टिया है। नसीम विक्की साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम असलम सलीम भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जो व्यूवर सुनने वाले ने ना, वो देखते हैं कि ये बंदा एक आया तो स्टार बन गया, छा गया, लेकिन वो पिछे मेहनत बहुत ज़्यादा होंगी। तुम अग दलो के किन्ना काम किया, फिर अपना शो वीज़ा लाए, आर्टिस्ट बने, फैसलाबाद तो लाहौर आए, लाहौर तो पूरी दुनिया च ना, अलहमदुल्ला। इस टाइम तुम पाकिस्तान का असासा हो, तो नाल के पड़ोसी मुल्क भी जाके काम किया उन्होंने स्टारा नाल, जिन्हों बंदा तरसदा काम करने, ये कोई शक नहीं, तो उत्थे जाके कैसा लगा था? आज हिंदुस्तान के अलहमदुल्ला 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 कि मैं एक पाकिस्तानी ऐसा एक्टर भी होया कि मैं हिंदुस्तान उत्थे वैनिटी बैठा, तो तीन चैनलों की लड़ाई चल रही थी, नसीम विक्की साडा एक्टर है, नसीम विक्की साडा एक्टर है, यह भी दिन देखिया। फिर मालिक ने यह भी दिन दिखाया कि मैं शाहरुख खान के नाल भी परफॉर्म किया, मैं दीपिका नाल भी परफॉर्म किया, मैं अक्षय कुमार नाल भी परफॉर्म किया, करीना कपूर नाल भी परफॉर्म किया, अजय देवगन नाल भी परफॉर्म किया। मतलब बंदे तो जिस तरह तुम कहते ना कि तुम की नहीं किया, हूँ तुम यह भी कह सकते हो कि कौन बंदा जिद नाल काम नहीं किया, मुलाकात नहीं की, परफॉर्म किया उन्होंने नाल, और उन्होंने हसाया, और हसाया भी ऐसा कि करीना कपूर वाला जिहड़ा एपीसोड सी 45 मिनट मैं परफॉर्म किया, चार वारी पांच वारी कट होया सी कि करीना का हासा नहीं बंद हो रहा। करीना ने मैनू हक किया, अपने नाल गले ना लाया। सिद्धू भाजी ने मैंने कहा घर जाके नहाई ना, मैं कहा भाई तुम नहाने की गल कर रहे हो, मैं लैमीनेशन करा लेने अपने आप। मतलब करीना कपूर बार बार हंस रही थी, और उन्होंने इन्ना ज़्यादा हैप्पी सी मेरे एक्ट तो, उन्हें मैं हक किया उन्हें। हाँ जी, कितने करीना कपूर तो कितने अनु कपूर। तुम हक किया, मैं अपना हक आ गया। चलो मेरा भी हक हासिल हो गया। विक्की साहब, गुफ्तगू तो ताड़ी मुकदी नहीं, माशाल्लाह तुसी पाकिस्तान का सासा हो, लैजेंड फनकार हो, तो हुण भी तुसी स्टैंडिंग कॉमेडी कर रहे हो, तारों से करें बातें, माशाल्लाह तुसी खलो जाते हो, तो इंज करके फिर मतलब तुसी उहदी कोई तैयारी भी नहीं एडी होंदी। यार मैं सलीम साहब गल पता की है, सच्ची मुची मैं बड़ा हैरान मनु, जो तो मालक देंदा ना वो बाय गॉड इस तरह ही देंदा कि मैं मतलब कुछ बनाया नहीं होंदा तो मेरा बहुत कुछ बनया होंदा। आप बाज़ औकात मैं हैरान हो रहा हूँ कि यार यह गल किस तरह हो गई, मैं गल किस तरह कर ली, फिर समझ आती है कि नहीं मैं तो कुछ है ही नहीं, ये मेरे पिछे एक ताकत है, मेरा मालिक है जिहड़ा मैनू अता करी जा रहा। मेरी वाइफ मैंने कहती होंगी सी कि तू स्टेज के उत्ते जरा लाफ्टर दसना ना लोगों को, तू गलत करना, तू एक दिन तंग होएगा। मैं उन्होंने कहना होना सा कि यार मैं मौला अली सरकार का कॉल सुनिया कि इल्म बांटने से बढ़ता है, पानी को टैंकी रोक दोगे छप्पड़ बन जाएगा, गंदा हो जाएगा, चलता रहेगा पिछों ताज़ा आता रहेगा। तो मेरा इस गल का यकीन है कि मैं तंग नहीं होवांगा, हो सकता जेडे इस गल तो फायदा चुक रहे हैं वो तंग हो। तो फिर एक टाइम ऐसा आया, मेरी बीवी ने मैंने कहा, उन्हें कहा तू सही करना होना सा, तेरा अजे तक भी नहीं मुकता पाया, तू अजे भी नवी गल करना नहीं मुक रहा, क्योंकि तुम खुदा इंसान देखता ही नहीं, वो नीयत देखता, तो अल्लाह पाक ने तुम ऐसी अता दी है कि तुम सारे दस के तड़क फिर इन्ना बचिया होंगे है। तो उत्तों तुम अरबी ऐसी बोलते हो, मैंने तो शक है तेरे को काम ना हो, अरबी अच्छी बोल रही
ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੇਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਉਸ ਡਾਇਲੌਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਡੱਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ 'ਚ ਡੱਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਡੱਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਡੱਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਮਿਲ 'ਚ ਡੱਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ 'ਚ ਡੱਬ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਡੱਬ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਡਾਇਲਾਗ ਨੂੰ ਡੱਬ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਅਨਵਰ ਆਪਸੇ ਮਿਲਣੇ ਕੇ ਲੀ ਆਇਆ। ਤੋ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਨਵਰ ਅਗਰ ਤੋ ਤੁਮ ਇਸ ਘਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਨੀਅਤ ਸੇ ਆਏ ਹੋ ਤੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਮੇ ਨੌਕਰੀ ਹਮ ਐਸੀ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮੈਂ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਨੇ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੋਗਾ, ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਰੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਰੀ ਨੀਅਤ ਗੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਬਤਾ ਦੋ ਇਸ ਘਰ ਕੇ ਅਸੂਲ, ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਮੈਂ ਗੰਦੀ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕਰ ਆਤਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਸਲੂਕ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਗੈਰਤ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਤੁਹਾਰੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਔਰ ਟਾਂਗੇ ਕਾਟ ਕਰ ਉਸੇ ਚੌਕ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਦਿਆ ਥਾ ਇਬਰਤ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਮਿਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਡਾਇਲਾਗ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਰੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭੈੜਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਗਾਣਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਨ ਅਰਬੀ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਲਵਾਲਾ ਦਲ ਮੁਹਤਰਮਾ ਵਾਲਾ ਆਮਦ ਅਲ ਅਨਵਰਾ, ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਵਰਾ ਵਾਲਾ ਆਮਦ ਅਲ ਮਕਸਦ ਅਲ ਬਿਆਨ ਅਲ ਮਕਾਨ ਹੈ ਵਾਲਾ ਆਮਦ ਅਲ ਮਕਾਨ ਅਲ ਦਰਕਾਰ ਅਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰੀ ਅਲ ਨਾਮ ਅਲ ਫਰਾਹਮ ਅਲ ਮਮੂਲੀ ਹੈ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰੀ ਅਲ ਖਾਸ ਅਲ ਕੁੱਲ ਅਲ ਖਾਨਦਾਨ ਅਲ ਨਾਮ ਅਲ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹ ਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲ ਬਾਕ ਸੈਨੀ ਅਲ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਵਾਲਾ ਨੀਅਤ ਅਲ ਅਲ ਖਰਾਬ ਅਲ ਅਲ ਆਮਦ ਹੈ ਵਾਲਾ ਲੜਕੀ ਅਲ ਅਲ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਅਲ ਅਲ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਲ ਨਸੀਅਤ ਹੈ ਵਾਲਾ ਦਾਦਾ ਅਲ ਮੁਹਤਰਮ ਅਲ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ولا بعد الا النيه الا الخراب الا العدميه ولا المكان الا الامده ولا والد الا المحترمه ولا عبره الا النشان الا البازو الا الرتانغ الا الاغا وكندا انكلا ولا نام الا الباتشيت الا الاسمان ولا اسمان الا الباتشيت الا الروبيه الا البيسا ولا الوافر الا مقدار ولا الوقت الا بعد الا التبديل الا كل الا المحاوله للتبديل على البعض للمحلل تبديله ولا الاسمان ولا الزمين ولا الباستيه عند الغستاخه ولا النام ولا الدركاره ولا الدفع جلرا جلرا كذا على بالد للمحترمه على محبه ولا الرخاص ولا الانوره اس سينو بنگالی چ کرنا تو کڑی ہن آکھندی آوازاں انور انا انور अगर तुम इस घर में नौकरी के लिए आया, हम तुमको नौकरी का वादा देगा। अगर तुम्हारा नियत गंदा है तो हमारा दादा का नसीहत देख लो, हमारा मुकाम बहुत उस है, हमारा मौसली का कारोबार, तुम जमीन के ऊपर छोटा खुबारा बेचने वाला आदमी है, तुम्हारे और हमारे में बहुत फर्क है। इसको दादा ने गारत के नाम पर एक आदमी का दोनों बाजू काट दिया, टांगे काट दिया और इज्जत का नुकसान बना के उसको जमीन के ऊपर बिठा दिया। आवाज़ में से प्यार करता कहता इसको समझाओ, आज ये आसमान के ऊपर बात कर रहा है, कल को ये जमीन पर आ सकता है, अमूफ्रस आ सकता है, कल को वक्त बदलेगा, हमारा मौसली का कारोबार होगा, जो खुबारा बेचेगा। फिर तामल दे बेचे करना वो आगे कहती है एंडड़े नमार घोटने ना को बाप कहता अड़े नमार घोटने अनवड़े इंडड़ा अयड़े नमार घोटने इंड नाड़ो मिट्टी गिट्टी अयड़े नाड़ ना अयड़े मार गिट्टी ना एंडो नाड़ो माड़ो गिटा अयड़े नाड़ गिट्टी ना अयड़े ना अड्डे ना ಎಲ್ಲ ನಾಡು ಗುಟ್ಟಣ್ಣ ಮನ ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ತಣ್ಣ ನಾ ಮನ ಇಂದ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡು ಗುಟ್ಟಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಡೆ ಉಂಡೆ ಮಿಂಡೆ ಗಾಡ ನಿಂಡೆ ಬರ್ಕಂದ ಅಯ್ಯೋಳ ಮಾಡು ಗುಟ್ಟಣ್ಣ ನಾಯಿಂಗ ಅಯ್ಯೋಳ ನಾಳು ಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಣ ನಿಂದ ಅಯ್ಯೋಳ ನಾಳು ನಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ನಾಡು ಗಿಟ್ಟಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋಳ ಮಾರು ಗಿಟ್ಟಣ್ಣ ಎಣ್ಣೆ ಗಿಟ್ಟಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟಿ ನಾಡೋ ಹಲೋ ਇਹ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛੋਇਆਂ ਪੋਇਆਂ ਛੋਇਆਂ ਪਾਂ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਨਵਰ ਆਇਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਂ ਫਾਂ ਯਾਂ ਯਾਂ ਛਾਂ ਯਾਂ ਫਾਂ ਯਾਂ ਛਾਂ ਨਾ ਨਾ ਖਾਂ ਛਾਂ ਫਾਂ ਯਾਂ 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 ਆਂ ਯਾਂ ਛਾਂ ਯਾਂ ਫਾਂ ਯਾਂ ਯਾਂ ਕਾ ਫਾਂ ਯਾਂ ਯਾਂ ਛਾਂ ਯਾਂ ਯਾਂ ਛਾਂ ਯਾਂ ਫਾਂ ਯਾਂ 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 ਆਂ ਯਾਂ ਛਾਂ ਨਾ ਪਾਲਾਂ ਨਾ ਤਨ ਖਾਂ ਯਾਂ ਯਾਂ ਪਪਾਂ ਯਾਂ ਆਂ ਯਾਂ ਛਾਂ ਯਾਂ ਯਾਂ ਫਾਂ ਗਾ ਗਾ ਛਾਂ ਯਾਂ ਯਾਂ ਆਂ ਯਾਂ ਨਾ ਫਾਂ ਯਾਂ ਯਾਂ ਛਾਂ ਯਾਂ 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 ਪਾਲਾਂ ਨਾ ਛਾਂ ਯਾਂ ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਂ ਯਾਂ ਫਾਂ ਯਾਂ ਯਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਂ ਖਾਂ ਫਾਂ ਯਾਂ ਯਾਂ ਅਲਾ ਛਾਂ ਯਾਂ ਕਾਂ ਖਾਂ ਫਾਂ ਯਾਂ ਯਾਂ ਆਂ ਯਾਂ ਫਾਂ ਯਾਂ ਆਂ ਯਾਂ ਔਂ ਗਾਂ ਪਾਂ ਗਾਂ ਛਾਂ ਯਾਂ ਅਲਾ ਨਾ ਨਾ ਛਾਂ ਗਾਂ ਯਾਂ ਬੋਲੋ ਉਸਕੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੋਲੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣੇ ਕਾ ਸਬਬ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਛਾਂ ਯਾਂ ਪਾਂ ਯਾਂ ਛਾਂ ਯਾਂ ਯਾਂ ਛਾਂ ਯਾਂ ਵੋ ਛਾਂ ਯਾਂ ਯਾਂ ਪਾਂ ਯਾਂ ਛਾਂ ਯਾਂ ਪਾਂ ਯਾਂ ਯਾਂ ਛਾਂ ਯਾਂ ਪਾਂ ਯਾਂ 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 ਛਾਂ ਪਾਂ ਯਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁਫਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੁਫਤਗੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਫਨ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਮੇਕਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਟਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਨ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਚਸ਼ਮੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਬਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪਿਓਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਓਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਓਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਚੰਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਓਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਲਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਲਕਾ ਲਾਏਗਾ ਕੌਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਮ ਹੋ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੈਸੇ ਮੁਫਲਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੋ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਕਰਵਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੀ ਗਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰੀ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੌਸੀਕੀ ਬਣ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਐਸਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਐਸਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣੇਗਾ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਔਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਏਡਾ ਕੁ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਹਤ ਰਾਹਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਈ ਐੱਮ ਜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ
अमजद रशीद साहब और चौधरी कामरान साहब जिन्होंने मलंगी जैसिया फिल्मा बनाईया ने इन दोवों ने मिलकर मैनू अपने ऑफिस बुला के मैनू कहा जी कि कहानी सुनाओ तो यह मैं अजे तक ये भी गल किसी नहीं सुनाई तो चूंकि राणा शफकत साहब और तुम दोवे ने मिलकर चैनल बनाया तो मेरा दोवे का जरा तालुक है मतलब इस तालुक नहीं कहा जा सकता मतलब तालुक तो अगली गल है मतलब इतने मैं गल सुना लगे या कर लगे मैं कोई आर नहीं तो मैं खुशी होगी इस गल की कि मैं गल इतने सुनावगा अमजद रशीद साहब अफजल रशीद साहब दो भरा नाल उन्होंने एक होर भरा नाल अपना शहजाद रफीक साहब तो चौधरी कामरान साहब उन्होंने घर बैठे उन्होंने मैं बुला के कहा हाँ भाई भाई आपके पास सुना कोई कहानियाँ हैं तो आप हमें सुनाओ मैंने कहा जी ठीक है मैं उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की है मैं कहानी सुनानी शुरू की तो उन्हों का लाफ्टर आना शुरू होया वो हसना शुरू हो इन्हें हस रहे हैं तो थोड़ी देर बाद मैंने कहते यार तेरी कहानी बहुत अच्छी है लो जी अपना चौधरी साहब असी 6 महीने तो लाहौर आ रहे सीने तो असी राइटर सुन रहे सू कोई कहानी नहीं सी मिल रही अज कहता असी दिन च 3 कहानियां सुनिया ने एक सैयद नूर साहब की सुनी है एक शहजाद रफीक साहब की सुनी है तो एक नसीम विक्की की सुनी है बनावे असी नसीम विक्की वाली विक्की साहब थोड़े ना जुबान हो गई यह फिल्म जी असं थोड़े वाली बना रहे हैं तो इस फिल्म की डायरैक्शन मैं कह जी तुम दसो नाल मेरे एक बंदा बैठा उन्होंने कि जी डायरेक्शन आप करेगा अपनी फिल्म की ज़्यादा अच्छी रहेगी तुम कर लोगे डायरेक्शन मैं जी मैं कर लाँगा थोड़े ना जुबान हो गई जी इस तरह उन्होंने मूँह के उत्ते हथ रख के कहा थोड़े ना जुबान हो गई फिल्म की डायरेक्शन तुम करोगे मैं क्या ओके फिल्म लिखी अज तक जिस एक्टर ने भी सुनाई है वह एक्टर ने तो यही कहा कि जी जैकपॉट है मैं फिल्म करा मेरे से बहुत अच्छा मतलब मिकाल साडा पाकिस्तान का हीरो है वह एक्साइटेड है उन्हें कहा जी कि भाई मैं तो किसी भी सूरज ये फिल्म करूँगा जावेद शेख साहब ने जो तो फिल्म सुनाई जावेद शेख साहब ने कहा इफ ही मैंने विक्की से कहानी सुनी है जैकपॉट है छक्का ग्राउंड से बाहर जाएगा ये मेरी बात लिख लो ये नसीम विक्की बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है ऐ ते ना आवाज़ खलक तो जो तो बनेगी रिलीज़ होएगी फिर कहते ने जी कि माली का कम पानी देना पर मशक पावे मालक का कम फल फुल लाना लावे या ना लावे नहीं इंशाल्लाह तुहाडी नीयत अच्छी है फल लगेगा साड़ियाँ दुआवां तुहाडे नाल ने अल्लाह पाक इस फिल्म में भी कामयाब करेगा क्योंकि जिंदगी अल्लाह पाक ने तुहानू इन्ना कामयाब कर दिता है कि तुसी हर काम कर सकते हो कोशिश करना हर काम करन दी और हर काम करना भी चाहिए और हर बंदे दे काम भी आना चाहिए जिहड़ा बंदा किसी दे काम आना चाहता ना या आना जानता उहदा काम तो कदी नहीं रुकता बहुत सारे लोगों ने इस गल की मुखालफत भी की फिल्म के लेट होने की वजह जी है वो कुछ ये भी है कि कुछ लोगों ने चीज़ हजम नहीं हो रही कि नसीम विक्की मतलब डायरेक्शन कर सकेगा नहीं कर सकेगा मैं उस चीज़ को बड़ा साइलेंटली लैके मतलब अपने अंदर बर्दाश्त करके कि कुछ बड़े लोग ने कुछ इज्जत वाले लोग ने कुछ सीनियर लोग ने कि मेरे मुँह जो कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए जिन्हें जिद नाल उन्हों की तजीक होवे मतलब सैयद नूर साहब ने इस गल की बहुत मुखालफत की कि नसीम विक्की कैमरा भी नहीं रखना आता फिर मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने कहा कि उसके पास तजर्बा नहीं है फिर इस तरह बहुत सारे लोगों ने गल कही कराची के बहुत सारे एक्टर ने गल कही कि जी मतलब असी उस फिल्म चो पंजाबी वर्जन होएगी असी उत्थे काम नहीं करना लेकिन मेरा जड़ा आजम है मेरा जड़ा एम है वो मैं लैके चले हाँ मैंने पता कि मैं फिल्म बनानी है ये हर सूरत बनेगी इंशाल्लाह बनेगी अमजद रशीद साहब और चौधरी कामरान साहब अगर सपोज मैं वैसे गल कर रहा कि वो नहीं भी करे मैं पूरी जिंदगी मैं फिल्म का कोई फोबिया नहीं सी मैं कभी नहीं सोचा कि मैं फिल्मी बनदा या मैं फिल्म कराँगा लेकिन किसी जगह उत्ते आके जदों तुहाडी कमिटमेंट हो जाती है अपने मुल्क दे नाल अपनी ऑडियंस दे नाल फिर जदों तुहानू अपना रिजेक्ट किया जाता ये सोच के खौफ दे नाल कि यार ये खौफ नहीं है कि मैनू काम नहीं आता उन्होंने अगर ये खौफ होवे तो मैनू बना देण उन्होंने पता कि काम ही नहीं आता आप ही फेल हो जाएगा फिर तो गल करन दी एक खौफ हुंदा कि अगर इन्हें बना लई तो कितने साडी बेइज्जती ना हो जाए उस बेइज्जती बचाने की खातर हालांकि वो बेइज्जती नहीं होंगी जदों तुसी अपने नाल कोई दूसरा बंदा खड़ा करते हो ना इहदे नाल तुहाडे मुल्क दे विच ज़्यादा शाखा बनदियां ने मतलब एक वन मैन शो कदों तिकर चलता रहेगा वन मैन शो कदों तिकर चलता रहेगा वन मैन शो नहीं होना चाहिए मुख्तलिफ लोगों को काम करना चाहिए एक जमाना सी तुहाडे मुल्क च मोहम्मद अली शाहिद नदीम सुधीर साहब सुल्तान रई साहब नन्ना साहब अली एजाज साहब मतलब इन्ने हीरो सन तुहाडियां उंगलियां खत्म हो जांदी सन तुहाडी गिनती काउंटिंग खत्म हो जाती सी बंदे नहीं सी खत्म होंदे फिर एक टाइम आया कल्ला तुहाडे कोल सुल्तान रह गया फिर तुहाडे कोल टाइम आया तुहाडे कोल कल्ला शान रह गया हुण तुसी हमायूं सईद दे उत्ते डिपेंड करदे पए हो सारे या दो राइटर या दो डायरैक्टर दे डिपेंड करदे पए हो
क्या मतलब उन्हें दोवां बंदियों का राइट है या उन्हें तिना बंद का राइट है कि उन्होंने इस मुल्क चलाना, मतलब मेरा कोई राइट नहीं, तुहाडा कोई राइट नहीं, किसी होर राइटर का कोई राइट नहीं, किसी होर हीरो का कोई राइट नहीं। जदों तिकर असी इस काम की फैक्टरी नहीं लावांगे, मार्केट नहीं बनावांगे, मुल्क च सिनेमे का रिवाइवल नहीं होएगा। सिनेमे का रिवाइवल करने वास्ते अलग अलग लोगों नू बैकअप करना पएगा, एक दूसरे नू एप्रीशिएट करना पएगा, एक दूसरे नू हौसला देना पएगा। मेरे को जिहड़ा भी आएगा, मेरे को आके पुछे कि सर असी कॉमेडी फिल्म बनानी है, असी इमोशन बनानी है, तुहाडे कोल इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, सानू दसो, मैं अपनी नाकस राय नू देंगा, अच्छी हो रख लै और फ्री ऑफ कास्ट देंगा, सिर्फ इस मुल्क वास्ते कि इस मुल्क दे विच असी अपनी प्रोडक्ट बना के असी अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े होइए, असी किसी के प्लेटफॉर्म वाल ना देखिए, असी दूसरे के प्लेटफॉर्म के उत्ते ना वेखिए कि वो फलाम बना के सानू देगा तो असी अपने बच्चे ने महसूस करना। अज की डेट के विच तुहाडे बच्चों नू शाहरुख का नाम, अमिताभ बच्चन का नाम तो याद है, अगर किसी शान या साउद का नाम याद है तो मैं दसना जरूर, इस वास्ते कि असी एक दूसरे को मनना से तैयार ही नहीं, असी एक दूसरे को रिजैक्ट करना से बैठे। तुसी गल करोगे जी कि फलां बंदे नू लै लईए तो मेरे चो कीड़े कढ़न वाले भी बंदे बैठे होणगे, जदों कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी नू नहीं काम आता तो उन्हूं काम दसना शुरू करो, उन्हूं नाल लैके चलो। इस मुल्क वास्ते मैं तो प्योर फिल्म बनावांगा, इस मुल्क नू हसाण वास्ते, इस मुल्क की खुशहाली वास्ते, इस मुल्क के सिनेमे के रिवाइवल वास्ते, और उहदे च इसलाह भी होएगी, उहदे च कॉमेडी भी होएगी, उहदे च लैसन भी होएगा, उहदे च फैमिली आंसर भी होएगा, उहदे च सारा कुछ होएगा जिहड़ी फैमिली सिनेमे च जाके वेखना चाहती है। उहदे वास्ते मैनू चाहे थोड़ी देर हो जाए, ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाए, या मैनू मतलब सारा कुछ आप करना पए, मैं तो हुणे खेडांगा, मैं तो खेडना। तो जिहड़े लोगों नू थोड़ी जी इस गल की तकलीफ है, मैं उन्होंने गल कहांगा कि अपने दिल चों कदूरतां कढ के, अपने दिल नू थोड़ा जा साफ करके, थोड़ा जा वड्डा करके, थोड़ा जा काम करना, काम वल तवज्जो दिओ। मुसो कुरैशी साहब का एक मैनू मैसेज पहुँचा सी कि उहदे कोल तजर्बा नहीं, तो मैं सोचना कि यार कुरैशी साहब तुहाडे कोल तजर्बा है, तुसी क्यों नहीं बना रहे, तुहाडे कोल तजर्बा है, तुसी फिल्म नहीं बना रहे, तो अगों तुसी मना कर रहे हो कोई होर भी ना बनावे। सैयद नूर साहब कह रहे ने विक्की नू कैमरा नहीं रखना आंदा, भी मैनू कैमरा नहीं रखना आंदा, मैनू सिखा दिओ, तुहानू रखना आंदा तुसी क्यों नहीं रख रहे, आप तुसी रख नहीं रहे, मैनू तुसी रखन नहीं दे रहे, ठीक है। मतलब मैं फिल्म शुरू दा अजे अनाउंस की, तुसी जिद दे विच आके मतलब जिस तरह तिस तरह भी तुसी अपनी फिल्म शुरू कर दी, मैनू खुशी है इस गल की कि सैयद नूर एक पाकिस्तान का बड़ा वड्डा नाँ है, लेकिन खुदा का वास्ता तुसी वड्डे हो, लेकिन दूसरे नू हजम करना भी सीखो। मतलब बार हा बार, मतलब बार बार इस तरह के जुमले आने, कदी किसे वालों, कदी किसे वालों, कदी मैं हजम कर रहा सारा कुछ, मैं लै रहा कि कोई हीरवन कह रही जी कि असं उत्थे काम नहीं करना, ना कर। मतलब अगर मैं विशेष आदमी ना काम नहीं करती, अगर नीलम मुनीर मेरे नाल काम नहीं करती, वह कहती जी कि पाकिस्तान अपना पंजाब दे विच मैं नहीं काम करना, कि पंजाबी फिल्म बनाने के, ठीक है ना कर। नीलम मुनीर आज तो 5 साल पहले कोई नहीं सी है, उस पहले रीमा सी, मीरा सी, मतलब साइमा सी, सारा कुछ सी, वो पानी भी लंघ गया, ये वो पानी है जिन्हें पुल थले लंघना ही लंघना, इन्हें लंघ जाना। तुसी नहीं करोगे तो फिल्म दे बनना ही है, फिल्म तो चलेगी, तुहाडी जगह के उत्ते नीलम मुनीर की जगह के उत्ते मतलब नीलम शमीम आ जाएगी, ठीक है जी। मतलब मैं बस याद की जगह तो कोई होर कोई मतलब ज़्यादा ही हयात आ जाएगी, ठीक है जी। अगर हमायों सईद नहीं कर रहा, अगर वो टाइम नहीं है, या अली जफर नहीं कर रहा, वो टाइम नहीं है, तो अगर अली जफर तो पहले दुनिया किन्नी सी, हमायों सईद तो पहले दुनिया किन्नी सी, नसीम विक्की तो पहले दुनिया किन्नी सी। तुसी वो गाना सुनेगा कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, वो ऑडियंस हालात करके अमिताभ बच्चन कहता कि मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कि तुसी किधर ये ना समझ बैठना कि तुसी बहुत अच्छी दात देंदे हो, मैं किधर ये ना समझ बैठा कि आज जो मैं शेर सुनाया कि इस तो अगे कोई शेर नहीं हो सकता। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, वो भी एक पल का हिस्सा थे, मैं भी एक पल का हिस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊँगा, गुआज तुम्हारा हिस्सा हूँ। जब जो चीज़ों ने ख़त्म हो जाना ना, फिर इन्हों ना मुतक्का नहीं लाईदा, अग पानी तो टैलेंट के नाल मुतक्का नहीं लाईदा, ये अपना रस्ता बना के निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं सब नूं कहांगा सॉरी बाबा। सॉरी बाबा की मतलब? मेरी फिल्म का नाम है सॉरी बाबा। जी नसीम विक्की साहब दियां गल्लां तुहानूं बड़ियां पसंद आईयां ने, बड़ियां प्यारियां गल्लां कीतियां ने। बारसलोना तो शफकत राणा साहब मेरे नाल ही हुंदे ने, कदी कदी आ जांदे, कदी चले जांदे ने, और अपने भाई नूं भी लै गए ने उत्थे शहती नूं, ते उहनां दे बारे कुछ कहोगे? तुहाडे ते बड़े मोहसन ने ओह। जी राणा शफकत साहब, अल्लाह ताला ने जदों किसे बंदे नूं पैदा कीता हुंदा ना, फिर सब तो पहले उस 10 मिनट के अद्धे घंटे के ना वह मैन्यू बनना हों कि
ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹੱਫਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਫਕਤ, ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਫਕਤ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਫਕਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਰਾਣਾ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਨਾਂ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ੈਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਖਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੈਤੀ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸ਼ੈਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਸਲੋਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਨਾ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਫਕਤ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਗੁਫਤਗੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਉਣ, ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਉਣ, ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਈਦਾ, ਰੋਕੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਲਬੇਲਾ ਟੀਵੀ। ਅਗਰ ਆਪ ਹਮਾਰੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕੋਨ ਦਬਾ ਦੇ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ।